Welcome to your 12th class. Today we are going to start our new class. So all the best for your 12th. ध्यान से पढ़िएगा. सबसे पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम अपने 12th का सिलेबस देख ले जो हमें पढ़ना है. ये बोर्ड के द्वारा दिया गया सिलेबस है. अभी क्योंकि हमें 2020-21 का सिलेबस नहीं दिया है तो हमें इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, जिसमें हमारे पास हमको डाटा हैंडलिंग करनी है, बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, डाटा मैनेजमेंट करना है, सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स करना है एंड प्रैक्टिकल्स. डाटा हैंडलिंग 2 इज ऑफ 30 मार्क्स इन विच वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पाइथन पांडा, नमपाई एंड पिपलॉट. एंड द सेकेंड यूनिट इज बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग which is of 15 marks in which we are going to learn about the introduction about it and how the software is processes in it and the delivery models, jo incremental kaise hota hai, spiral delivery kya hota hai, all these you are going to learn in this unit. And the AGL methods, business use case diagrams, kis tarike se hum करते हैं और किस तरीके से हम इसके प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस यूनिट. आफ्टर दैट द थर्ड यूनिट इज डाटा मैनेजमेंट इन विच वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू थिंग डिजांगो एंड द एसक्यूएल विच वी हैव डन इन 11th क्लास आल्सो एंड द सेम कमांड्स विच वी हैव डन इन 11th, एग्रेशन, एग्रीगेट फंक्शंस एंड ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय. All this you have done in 11th class also, and again you are going to repeat this, and this is of 15 marks. After that the unit 4 in which we are going to learn about society law and ethics. Wahi jo pehle kiya tha, e-waste kya hota hai, फ्रॉड कैसे होता है, टेक्नोलॉजी का सोसाइटी से क्या कनेक्शन है, कैसे हम इसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें, इंटरनेट क्या है, इको चैम्बर क्या है, एवरीथिंग विच यू हैव डन इन योर 11th क्लास, उसी को आगे ले जाते हुए हम इसमें पढ़ेंगे कि और कैसे सोसाइटी में और इसके क्या लॉज है इंटरनेट यूज करने के, टेक्नोलॉजी यूज करने के, ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे. विच इज ऑफ 10 मार्क्स, दिस इज ऑफ 70 मार्क्स. आप देख रहे हैं यहाँ पे कि डाटा हैंडलिंग 230 मार्क्स का हो गया, बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 15 मार्क्स की हो गई, डाटा मैनेजमेंट 15 मार्क्स का हो गया, लॉ, सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स 10 मार्क्स के हो गए, और उसके बाद इन सब से रिलेटेड प्रैक्टिकल भी है जो पूरा मिला के 30 मार्क्स का होगा. इन विच यू हैव टू क्रिएट योर सॉफ्टवेयर एंड यू हैव टू मेंटेन योर प्रैक्टिकल फाइल ऑल्सो. जो भी आप पूरे साल प्रैक्टिकल करेंगे वो सारा आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में करके रखना है, which is going to be get marks in your final board practicals. ऐसे करके 100 marks का पूरा आपका paper हो जाएगा, ठीक है. और I want that कि आप इस distribution of marks को अपनी copy के starting में ही लिख लें, so that आपको पता रहे कि कितने marks की कौन सी unit है और हमें किस पे कैसे काम करना है. Is it clear? In next video we are going to learn about Python, NumPy, because NumPy you have done in your 11th class also. तो जब हम इसे करेंगे तो आपके 11th class का भी revision भी होता जाएगा और interest भी आएगा आपको करने का. After NumPy we are going to do Python Panda and then Piplot. Okay? And I recommend you a book जो आपने previous year भी पढ़ी थी, प्रीति अरोरा की ही पढ़ी थी, क्योंकि NCERT की book अभी launch नहीं हुई है और हमारे पास है भी नहीं, तो हम 12th में भी प्रीति अरोरा की बुक से ही पढ़ेंगे. सो काइंडली मेक अ अरेंजमेंट ऑफ दैट बुक सो दैट यू कैन डू योर वर्क ऑन टाइम एंड यू कैन सेंड मी योर वर्क ऑन टाइम. थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर 12th. बाय, टेक केयर.